का अखाड़ा सच चुका है। इस उपचुनाव में राजद और बीजेपी दोनों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। प्रशांत किशोर के उपचुनाव में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। राज्य में केवल 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, मगर इसे साल 2025 में होने वाले उपचुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में एनडीए ने अपने प्रचार का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। देखिए, किसी भी दल को पहले से भविष्यवक्ता नहीं बनना चाहिए और हम इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो मतदाता का हक छीनने का अधिकार किसी दल या नेता को नहीं है। अगर हम पहले बोल दें, अगर विपक्ष ये बात बोल रही है कि हम चारों सीट जीतेंगे, तो ये अपने आप को खुश करने वाली बात है। तो मतदाता का फिर क्या हक रहा? तब तो फिर चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। विपक्ष को बोलिए कि भाई चुनाव, अगर मतदाता का भी कोई अधिकार है, मतदाता मालिक है, तो मतदाता फैसला लेगी कि किसको कहां वोट देना है। एनडीए ने सभी दलों की एक बैठक का आयोजन किया था। इसने प्रत्याशियों के नामांकन का दिन, समय, जनसंपर्क, जनसभा, स्टार प्रचारक सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि जनसंपर्क के दौरान सभी घटक दलों के नेता प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे, साथ ही प्रत्याशी मार्केट में टोली बनाकर चर्चा करेंगे। हम लोग एनडीए पूरा हम लोग का एक ही लक्ष्य है, चारों को चारों सीट जो है एनडीए की झोली में जाए, यही हमारा लक्ष्य। हम लोग के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनका न्याय के साथ विकास, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो दोनों नेता की करिश्माई जोड़ी को बिहार की जनता पसंद करती है। एनडीए ने चुनाव में प्रचार के लिए 3 स्तर पर तैयारी की है। इसमें पहले स्तर पर प्रत्याशी लोगों से मिलकर अपने पक्ष में वोट मांगेंगे। दूसरे स्तर पर स्थानीय बड़े नेता खुद घर घर जाकर लोगों से एनडीए को जिताने की अपील करेंगे। तीसरे स्तर पर चुनाव से 24 घंटे पहले एक बार फिर से प्रत्याशी लोगों से संपर्क करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।